फरीदाबाद सीआईटी की परीक्षा यानी ग्रुप डी की परीक्षाओं को लेकर परीक्षार्थियों में खास उत्साह देखने को मिला। नमस्कार, मेरा नाम है यशोदा नागपाल और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। प्रदेश के अलग अलग जिलों से फरीदाबाद में ग्रुप डी की परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा केंद्र तक उन्हें प्रदेश के किसी भी जिले से पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। यहां तक कि बसों में भी उन्हें बगैर किराए के सफर करने को मिला। ऐसे में हरियाणा सरकार ने इस बार परीक्षाओं को के लिए काफी बेहतर इंतजाम किए हैं। तो वहीं परीक्षा केंद्रों पर भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले, जहां पर सेंटरों के बाहर और अंदर करीब 15 से 20 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई और साथ ही धारा 144 लागू की गई। वहीं परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को बारीकी से चेक किया जा रहा है। कोई यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत आपको परेशानी? कोई परेशानी नहीं, घर से ही बस मिल गई थी। घर से ही बस मिल गई थी। अच्छा, तो कोई पैसा वगैरह लगा आपका? नहीं नहीं, कोई पैसा। सेंटर को ढूंढने में कोई दिक्कत? नहीं नहीं। आपको बस स्टैंड पे बताया गया था कि फलानी जगह आपका सेंटर है? नहीं, नहीं, नहीं। लिखा हुआ था कुछ? पहले एक दिन पहले चेक कर गया था। अच्छा, आप पहले चेक कर गए थे, मतलब पड़ोस होने का फायदा। क्या नाम है? विपिन। कहाँ से हैं? सोनागढ़ गाँव। सोनागढ़ गाँव से। यहाँ क्या क्या चल रहा है सर? एग्जाम। एग्जाम। कोई व्यवस्था में कोई दिक्कत आई यहाँ तक पहुँचने में? सेंटर तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वगैरह में आए तो किराया वगैरह लगा आपका? माफ था सर, फ्री। माफ था, फ्री। अच्छी व्यवस्था थी? यस सर। उम्मीद क्या है अब अंदर कैसा रहे, कैसा रहेगा पेपर? पेपर तो अच्छा ही देकर आए। तैयारी तैयारी करके आए हो? ठीक ठाक है सर। अब दिमाग में वो ख्याल है कि भाई पेपर लीक हो गया था पिछली बार, तो कैस बार कैसा कुछ ऐसा कोई ख्याल दिमाग में? ऐसा तो ख्याल अभी तक नहीं है फिलहाल। अच्छा, उम्मीद है इस बार फाइनल हो जाएगा। नाम क्या है? राहुल है। राहुल कितने हो? नागर चौधरी। नागर चौधरी से। नागर चौधरी से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत आई सेंटर? कैसी व्यवस्था लगी? बढ़िया, एक नंबर। एक नंबर की। तो किराया वाला? नहीं, फ्री। फ्री। तो आपके किस कैसा लगता है, क्योंकि पिछली बार भी जब ग्रुप डी का पेपर हुआ था पेपर लीक हो गया था, सारी मेहनत पानी में चलेगी। तो इस बार हरियाणा पुलिस का हुआ था, ग्रुप डी का नहीं। अच्छा, हरियाणा पुलिस का। तो इस बार कैसा लगता है?